स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल जियो फुद्दू में। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि एडीसी कोर्स या कंप्यूटर कोर्स को हम कितनी आसानी से और कैसे पढ़ सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपना ब्राउजर खोलना है, उसमें हमें टाइप करना है adcacourse.blogspot.in और एंटर कर देना है। और ये देखिए, ये खुल गया हमारा कंप्यूटर का पेज जिसमें हेडिंग है कंप्यूटर कोर्स हिंदी। इस पेज पे आपको हर एक अलग अलग भाग में अलग अलग चीजों को देखने को मिलेगा। जैसे हम सबसे ऊपर से बात करना शुरू करते हैं, सबसे ऊपर लिखा है कंप्यूटर कोर्स हिंदी। इससे ठीक नीचे आपको एक लाइन दिख रही है और इसी के नीचे आपको दिख रहा है कंप्यूटर / ADCA। ये है पेज का नाम जो पेज ये नीचे खुला हुआ है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा इसी पेज में आ जाता है। अब इसके अंदर हम बात करते हैं क्रम से। सबसे पहले हम बात करते हैं इस सेक्शन की जहां लिखा हुआ है पार्ट / कंप्यूटर। पार्ट / कंप्यूटर के अंतर्गत आपको सभी पाठ क्रमशः मिलेंगे जो भी पाठ इस पेज में जोड़े जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अभी 3 पाठ जोड़े गए हैं, पाठ 2, पाठ 3, पाठ 4। पाठ 1 भी जोड़ा गया था लेकिन अभी उसे हटाया गया है क्योंकि उसमें कुछ बदलाव करके फिर से उसे डालना है। इसलिए तो जितने भी पाठ इस पेज पे जुड़ते जाएंगे वो एक क्रम में यहाँ पे 1 by 1 जुड़ते चले जाएंगे। उसी तरीके से हर एक पाठ से जुड़े हुए प्रश्न आपको इस पेज के दूसरी तरफ यानी कि यहाँ पे देखने को मिलेंगे। प्रश्न पेपर कंप्यूटर, इसमें हर एक प्रश्न पेपर आपको पाठ के नाम से ही देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ लिखा है पाठ 1 प्रश्न पेपर, पाठ 2 प्रश्न पेपर, पाठ 3 प्रश्न पेपर, पाठ 4 प्रश्न पेपर। तो ये तो बात होगी पाठ की। इसके नीचे आपको यहाँ दिख रहा है ब्लॉग आर्चिव। इसके अंदर जो भी पोस्ट एकदम हालिया में अभी डाले गए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। जैसे 2017 के अंदर जनवरी महीने में इस पेज पे 7 पोस्ट डाले गए हैं, जिसमें है पाठ 4 प्रश्न पेपर, उससे नीचे है पाठ 4 कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, और उसके नीचे एक क्रम ये चलता चला गया है। और नीचे अगर हम चलते हैं तो यहाँ दिख रहा है 2016 पे अगर हमें क्लिक करना है तो ये एरो दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करिए। क्लिक करते ही आपको इसके अंदर एक महीना दिख रहा है दिसंबर, जिसके अंदर 3 वीडियो डाले गए हैं। आप दिसंबर पे क्लिक कर दीजिए। अगर आप दिसंबर पे क्लिक करते हैं तो ये दिसंबर के जितने भी पोस्ट हैं उनको खोल देगा, जैसे यहाँ पे इसने खोल दिया। यदि हम दिसंबर पे ना क्लिक करके केवल एरो पे क्लिक किए होते तो ये केवल उसकी लिस्ट को यहीं पे खोल देता, जैसे अभी ये खुली हुई आपको दिख रही है। नहीं तो जब आप अगर दिसंबर या 2016 या 2017 पे क्लिक कर देंगे तो उससे जुड़ी हुई सारी की सारी पोस्ट को ये यहाँ पे खोल देगा, जैसा कि अभी इसने किया। इसके अलावा यहाँ नीचे आपको दिख रहा है फीचर्ड पोस्ट। अभी एकदम हाल में जो भी पोस्ट डाला गया होगा आपको वो यहाँ पे दिखेगा। जैसे सबसे आखिरी में अभी डाला गया है पाठ 4 प्रश्न पेपर, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके नीचे और कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरी तरफ पेज के, यानी कि दाहिनी तरफ। दाहिनी तरफ आपको सबसे ऊपर यहाँ दिख रहा है टोटल पेज व्यूज। इसमें ये जो नंबर दिख रहा है ये दिखा रहा है कि इस पेज को कितने लोगों ने खोल के देखा है। तो जैसे कि ये अभी बहुत ही जल्दी में बनाया गया पेज है दिसंबर में, तो इसीलिए अभी इसको देखने वालों की संख्या कम है, लेकिन काफी है, 1043 लोगों ने इसको देखा है। इसके नीचे प्रश्न पेपर दिए गए हैं और उसके नीचे यहाँ आपको दिख रहा है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट ये जो है ये गूगल का ट्रांसलेटर है। गूगल एक बहुत ही अच्छी सुविधा देता है कि आप अगर इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं और आप
हो सकता है कि हिंदी बहुत अच्छे से आती हो लेकिन अंग्रेजी नहीं आ रही है, तो आप ये संकोच ना करिए कि आप उस चीज को नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रांसलेटर माध्यम है इसके माध्यम से आप पेज को किसी भी दूसरी अपनी सुचारू भाषा में बदल के पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको चीजें हिंदी या इंग्लिश में दिख रही हैं, तो उन्हें अगर आप पूरी तरीके से इंग्लिश में ही बदल के पढ़ना चाहते हैं या पूरी तरीके से किसी दूसरी भाषा में बदल के आप पढ़ना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे जो ये भाषा चयनित लिखा है, इस एरो पे क्लिक करते ही ये एक लंबी सी लिस्ट खुल जा रही है और इसमें बहुत सारी अलग अलग भाषाएं दी गई हैं। इनमें से किसी भी एक भाषा पे यदि हम क्लिक करते हैं तो गूगल उस भाषा में इस पेज को बदल देगा। अगर हम बात करें गुजराती की, तो गुजराती पे क्लिक करते ही ये देखिए ये थोड़ा सा समय लेगा और यहाँ देखिए आ गया है कि अनुवाद प्रगति में है 0%। थोड़ा सा समय लेने के बाद में देखिए चीजों को बदलना चालू कर दिया है। जैसे देखिए यहाँ पे आ गया कंप्यूटर इतिहास भाग 2 और लगभग लगभग चीजें इसने बदल दी हैं गुजराती में। उसी तरीके से किसी दूसरी भाषा में आपको बदलना है तो आप बदल सकते हैं। जैसे यहाँ ऊपर दिख रहा है अंग्रेजी, इस पे भी क्लिक करके देखते हैं। ये देखिए क्लिक करते ही यहाँ पे अनुवाद बदलना चालू हो गया और ये कंप्लीट हो गया। देखिए इसने सब कुछ इंग्लिश में बदल दिया है। यहाँ देखिए टेक्स्ट 1 क्वेश्चन पेपर, टेक्स्ट 2 क्वेश्चन पेपर, हर एक चीज लगभग इसने अंग्रेजी में बदल दिया है। तो ये एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही अच्छा माध्यम है कि हम किसी भी चीज को अपनी घरेलू भाषा में पढ़ सकते हैं। इसके नीचे आपको ये दिख रहा है एक बैच, ये हमारे गूगल प्लस के पेज का बैच है। गूगल प्लस की भी बात हम आगे करेंगे कि गूगल प्लस है क्या। और यहाँ पे ये दिख रहा है फॉलो, ये भी आप करेंगे लेकिन इसके लिए आपको पहले जीमेल का अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसकी बात हम अभी करेंगे आगे। और एकदम नीचे अगर आप आ जाते हैं तो ये देखिए यहाँ लिखा है न्यूअर पोस्ट और यहाँ लिखा है होम। न्यूअर पोस्ट पे क्लिक करने पे आप चले जाएंगे जो एकदम हालिया पोस्ट होगा उस पे, या होम पे क्लिक करने पे आप चले जाएंगे अपने मुख्य पेज पे जो आपने सबसे पहले खोला था। होम पे क्लिक कर दिया, ये देखिए पेज फिर से खुल गया जो सबसे पहले खुला था और सारी चीजें वैसे ही हो गई जैसी थी। जो हमने अभी भाषा बदलाव किया था अंग्रेजी में वो सारी चीजें खत्म हो गई होम पे क्लिक करते ही। तो यही एक छोटा सा संक्षिप्त ब्यौरा था कि इस पेज पे आपको क्या क्या कहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रयास बहुत ही सरल सा किया गया है कि आपको बहुत ही आसानी से हर एक चीज यहाँ पे उपलब्ध हो जाए। अगर आपको किसी चीज में दिक्कत आ रही है या आप चाहते हैं कि इन चीजों को कुछ बदलाव करने की जरूरत है तो आप अपना कमेंट अवश्य दें, जिससे कि हमें ये पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं कितना सही है कितना गलत है। तो इसलिए अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।